नमस्कार, आप देख रहे हैं तेजस 24 न्यूज और मैं हूं आपके साथ ज्योति कनौजिया। आइए रुक करते हैं खबर की ओर। कनौज शहर के मोहल्ला बजरिया सिखाने में काफी दिन पहले सीवर लाइन के पाइप डाले गए थे, लेकिन घटिया मटेरियल के इस्तेमाल के कारण कई जगह रोड धस गई। रोड खराब होने पर नगर पालिका द्वारा फिर से रोड सही कराई गई, लेकिन दोबारा फिर घटिया मटेरियल डालने से रोड जस की तस हो गई है। इस कारण आने जाने वालों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। विशेष वर्ग द्वारा नमाज पढ़ने आने जाने में काफी दिक्कत का सामना करते हैं। साथ ही ये रोड कई मोहल्लों को आपस में जोड़ती है, लेकिन रास्ते में सीवर का पानी भरे होने के कारण राहगीरों को काफी दिक्कत का सामना करना पड़ता है। वर्तमान समय में फैली डेंगू बीमारी भी गंदगी के कारण पनप रही है। मोहल्ले वासियों का कहना है कि कई बार नगर पालिका में शिकायत करने के बाद भी कोई उचित कार्यवाही नहीं हो रही है। अब देखना यह है कि खबर चलने के बाद प्रशासन की आंख खुलती है या सरकार द्वारा चलाए जा रहे स्वच्छ भारत मिशन दिखावा मात्र है और मोहल्ले वासियों की समस्या ऐसी ही बनी रहेगी। कन्नौज से जिला संवाददाता सैनी की रिपोर्ट। क्या नाम है आपका? अकरम नाम है। अकरम जी, क्या समस्या हो रही है? काफी दिन से बनी हुई है, आप बता रहे हैं। समस्या क्या है? सीवर लाइन जब से पड़ी है, इन्होंने खुदाई की थी, उसके बाद में इन्होंने आरसीसी का मसाला डाला है जी। मसाला डालने के बाद वो धस गया है। अब यहाँ पर पानी भर जाता है, देख सकते हैं। तो यहाँ निकलने वालों को बहुत समस्या करना पड़ता है। समस्या और जुमे की नमाज या नमाज में निकलते हैं लोग, छींटे आ जाते हैं, बड़ा परेशानी होती है। तो कई बार नगर पालिका को करा है आपने? कई दफा करा है, लेकिन कोई इसकी समस्या का हल नहीं हुआ। चेयरमैन ने क्या कहा? वो ये कहते हैं कि हाँ सब हो जाएगा, लेकिन शिकायत जब पहुँचती है हाँ हो जाएगा, उसके बाद फिर ऐसी। ऐसी ही खबर से जुड़े रहने के लिए आप देखते रहें तेजस 24 न्यूज़।